अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ होम रेमेडी इंस्टेंट स्किन क्लीनअप, जो कि आपको 5 मिनट में पॉलर से भी अच्छा रिज़ल्ट देगा। ठीक है, आप लोग यकीन जाने बहुत ही इसका रिज़ल्ट ऑसम आया था और आप इसको जल्दी से बना लेते हैं फटोफट। तो यहाँ पर 1 चम्मच ले रही हूँ मैं बेसन का और 1/4 टीस्पून हम लेंगे हल्दी और रॉ मिल्क लेंगे यानी कच्चा दूध थोड़ा सा, और जल्दी से इसका बना लेंगे स्मूथ सा पेस्ट। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने डालना है। मैं यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ, आप जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप देख सकें। इसको हमने करना है अप्लाई अपने फेस पर 5 मिनट के लिए। मैं आपको इसका हैंड पर अप्लाई करके इसका रिज़ल्ट आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए इस तरह से 2 मिनट के लिए अच्छा सा मसाज करना है और 5 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ देना है। इसके बाद तकरीबन जो है 5 मिनट हो चुके हैं, अब हल्के हाथ से इस तरह से पानी लगा के मसाज करना है और इसको उतार देना है या इसके बाद इसको धो लेना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्क्रबिंग का। तो ये आप रिज़ल्ट इसका देख लें। 1 चम्मच हम लेंगे स्क्रबिंग के लिए चावल का आटा। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले रही हूँ चावल का आटा और इसमें थोड़ा सा मैं रॉ मिल्क ऐड करूँगी यानी कच्चा दूध, और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे और इसको हमने नोज़ अराउंड, चिन अराउंड और अपने फेस पे अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है। नोज़ अराउंड और चिन अराउंड इसलिए करना है ताकि हमारे जो भी ब्लैक हेड्स हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप यकीन जाने इसका रिज़ल्ट बहुत ही आपकी स्किन को ग्लो कर देगा, मतलब आपकी स्किन ग्लोइंग सी लगेगी और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया था। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लगा के फिर मैंने सूख किया जब तुम इसको वॉश कर लिया है। तो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, स्किन बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी। आप लोग इस रेमेडी को बना के अप्लाई करके फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।